अत्यधिक बारिश और गंगा में उफान के कारण अब पटना सहित कई जिलों के निचले स्थान में पानी भर चुका है और बाढ़ की प्रबल संभावना बनती जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर ही खबर, मोटिवेशनल चैनल बाय BNY में विवेकानंद यादव। पटना सहित भागलपुर, कटिहार के अलावे कई ऐसे जिले हैं जहां अत्यधिक बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण गंगा और बूढ़ी गंडक नदियों में जल स्तर बढ़ना प्रारंभ हो चुका है और निचले स्थान में पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा घाट पटना पर पुलिस एहतियात बरतते हुए लोगों को जाने से रोकना प्रारंभ कर दिया, चूंकि घटना दुर्घटना न हो जाए। इसके बाद अलावे भागलपुर के कहलगांव का संपर्क टूट चुका है झारखंड से और अन्य मुख्यालयों से, चूंकि डायवर्सन पुल के पास के सड़क जो डायवर्सन होती है वो टूट चुकी है। कटिहार के मनिहारी और अहमदाबाद के निचले स्थानों में पानी का प्रवेश हो चुका है और मनिहारी गंगा घाट की समीप की सारी दुकानें पानी में डूब चुकी है। लोग ऊंचे स्थान पर भागना प्रारंभ कर चुके हैं। पटना के भी निचले स्थानों में पानी प्रवेश कर चुका है। कई मोहल्ले में पानी का जमावड़ा देखा जा रहा है। हाजीपुर के निचले इलाके में वर्षा की पानी भर चुकी है और पटना शहर के कई पॉश एरिया में भी वर्षा की पानी सड़कों पर लग चुकी है। गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग नगर निगम के कार्यकलाप पर उंगली उठा रहे हैं। गंगा के पानी के बढ़ने के कारण पटना के कई इलाकों में खतरा मंडराने लगा है। कटिहार के कई गांव अहमदाबाद और मनिहारी में डूब चुका है और भागलपुर के कई इलाके डूब चुके हैं। इसके अलावे कई अन्य जिलों में पानी प्रवेश कर चुका है। गंगा की उफनती रुद्र रूप देख लोग यह कहते हैं कि गंगा गुस्सा गई है और गंगा का पानी बढ़ने से काफी नुकसान होने की संभावना है। खतरे के निशान से अधिक पानी है। अब देखना यह है कि गंगा की पानी क्या बहुतों को बहा ले जाती है या थम जाती है। दोस्तों, मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।